हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धना हेल्थ मिशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल के बारे में। क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल को यदि किसी के वेजाइना में, योनि में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस जेल का यूज़ किया जाता है। किसी के वेजाइना में या फिर योनि में यदि खुजली हो रही है, जलन हो रही है, रेडनेस है, वहाँ पे लालिमा है, रैसेस है, और वहाँ से जो डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, वो बहुत अमाउंट में हो रहा है और फटे हुए दही के समान हो रहा है वेजाइनल डिस्चार्ज, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है। और इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ से जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो स्मेली रहता है, बदबूदार रहता है। तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर्स हैं वो क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल है ये 2% में अवेलेबल है, 30 ग्राम का ये पैक रहता है। इसमें 1 रीयूजेबल एप्लीकेटर रहता है और ये वेजाइनल एंटीफंगल जेल है। तो इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जब भी आप क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल या भी कोई भी मेडिसिन लाते हैं तो उसका सबसे पहले एक्सपायरी डेट हमें चेक करना चाहिए, और इसे यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। फिर इसको, इसके पैक को ओपन कर लीजिए इस तरीके से। तो इसमें ये ट्यूब रहता है, 30 ग्राम का रहता है, ये क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल का जो ट्यूब है ये 30 ग्राम का रहता है, और इसमें एक एप्लीकेटर रहता है जो जेल को वेजाइना के अंदर इसके थ्रू हम इंसर्ट करते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। जो और ये जो वेजाइनल जेल है इसको माहवारी के समय यदि पीरियड चल रहा है तो उस दौरान इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेटर है, ये एक इंजेक्शन की तरह ही रहता है, इसका प्लंगर है, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। और इसमें जैसे इसमें आपको डॉक्टर आपके इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करता है। इसमें एक एप्लीकेटर में आप यदि वेजाइनल जेल को फिल करेंगे तो 5 ग्राम आता है, तो डॉक्टर 3 ग्राम, 5 ग्राम इस तरीके से आपके इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो उसी के हिसाब से आपको इसमें जो जेल है उसको फिल करना रहता है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं ट्यूब को इस तरीके से, इसमें सील लगा रहता है, इसको ओपन कर लेना है। फिर इसको हमें इसमें टाइट इसमें लगा लेना है क्लॉकवाइज घुमा के। फिर हम इसमें इस तरीके से प्रेस करते हैं ट्यूब को, तो एप्लीकेटर के अंदर इसका जो जेल है इस तरीके से चला जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे जो जेल है वो ट्यूब के अंदर में, एप्लीकेटर के अंदर में चला जाएगा। जैसे ही आपका जेल इस ट्यूब के अंदर चला जाएगा आपका जो प्लंगर है पीछे साइड का वो अपने से ही आगे खिसक जाएगा। तो इसमें जो एप्लीकेटर है इसमें जेल पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब इसे हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हुए ट्यूब को इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब इसमें जेल, इसको यूज़ करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट तक लेटे रहना है। यदि आप तुरंत ही उठ जाओगे तो इसमें का जो जेल है वो मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको लगाने के बाद में 5 से 10 मिनट आपको लेटे रहना है। और इसे यूज़ करने के लिए आपको नाइट के समय सोने से पहले इसे आपको यूज़ करना है, क्योंकि रात में यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो ये अच्छे से वर्क करेगा। और जब भी आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो इसको अच्छे साफ पानी, ठंडे पानी से आप इस एप्लीकेटर को धो ले और फिर इसे अपने पैक में रख ले, क्योंकि ये आप इसको दोबारा तिबारा यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर ने आपको जितने दिन प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन आपको इसे यूज़ करना रहता है।
और इसे यूज़ करने के बाद आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकते हैं। और इसे यदि आपके वैजाइना सरफेस में भी इचिंग हो रहा है, जलन हो रहा है, तो आप अपने बाहरी वल्वा में योनि के बाहर भी आप इसको लगा सकते हैं। और जब भी आपको इस तरीके से कोई इन्फेक्शन हो तो इसे तुरंत ही क्योर कर लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और जब भी ऐसा इन्फेक्शन हो तो आपको जब भी आप वॉशरूम जाएं तो जब वॉश करते हैं पानी से योनि को, वजाना को, तो उसे अच्छे साफ कपड़े से पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। वहाँ पे नमी नहीं रखना है, वेट ही रखना है, सूखा रखना है उस जगह को। और टाइट लेगिंग्स या फिर इनर वियर्स को टाइट ना पहने, लूज पहने इस जेल को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक है, ये वीडियो है, समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।